हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से मैसेज और कॉल और कमेंट्स आए कि सर, इस बार यानी बिहार पैरामेडिकल 2020 का काउंसलिंग कब से होगा? क्या सर काउंसलिंग जनवरी से होगा? सर प्लीज़ बताइए कि हम लोग का काउंसलिंग डेट कब आएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, यानी बिहार संयुक्त परिवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, है ना, इसके यानी BCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ देखेंगे क्या कुछ नोटिस आया है कि नहीं आया है और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देखिए लेटेस्ट अपडेट्स क्या आया है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डेट एंड टाइम फॉर PGEAC, है ना, यानी देखिए PGEAC काउंसलिंग। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी जो बिहार संयुक्त परिवेश ये परिषद है, ये अभी भी अपने काम में जारी है, यानी काउंसलिंग चल रहा है, आप लोग का नहीं चल रहा है। तो हो सकता है आप लोग में थोड़ा देरी लगे, क्योंकि अभी भी काउंसलिंग जो चल रहा है वो PGEAC वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का चल रहा है ना। अब देखिए आप लोग का काउंसलिंग यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से देख ले रहे हो कि सर हमको तो कोई सर बताया है कि हम लोग का काउंसलिंग जो है जनवरी में स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल नहीं, जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं जहाँ तक बता सकता हूँ और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो आप लोग का काउंसलिंग जनवरी में स्टार्ट नहीं होगा। इसका 90% चांस है कि आप लोग का काउंसलिंग जनवरी में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई आपसे पहले भी एक रिजल्ट आया है BCEC वालों का, है ना, BCEC वालों का आया है। आप लोग का जो है वो DCEC है। तो पहले अब BCEC का काउंसलिंग होगा और इसको भी देखिए, ये तो रिजल्ट आए हुए 2 महीना हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी इसका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ आपका अभी काउंसलिंग होना ही, मतलब अभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, बात ही अभी छोड़ दीजिए। तो आप लोग अभी वेट कीजिए, हाँ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, देखिए क्या कुछ अपडेट्स आया है, क्या कुछ नोटिस आया है। आप लोग तरह तरह का वीडियो मत देखिए, आप लोग खुद से भी विजिट करके चेक कीजिए कि कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग का नहीं होगा काउंसलिंग, बट हाँ आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाकर रख लीजिएगा, है ना, यानी जितने भी विद्यार्थी जिनका रैंक अच्छा आया है, मैं बता चुका हूँ कि कितने से कितने रैंक, हाँ, ANM मिलेगा, GNM मिलेगा, ठीक है, और किस किस कॉलेज में मिल सकता है। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करके रखिएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।